खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको सलाम। जय मसीह की। जबूर 92 की दो लाइनें आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, बाइबल से नहीं, गीत की किताब से। ओ सब जो लगाए गए घर दे विच खुदावंद दे, ओ सब जो लगाए गए घर दे विच खुदावंद दे, ओ दरगाहां विच खुदा दी फल दे फूलते रहेंगे। और जो खुदावन की दरगाहों में फलते फूलते हैं उनकी खुशबू दूर दूर तक जाती है और न सिर्फ दिलों को बल्कि रूहों को मुनव्वर करती है। और आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे मेरे साथ कि दुनिया भर में जो सबसे ज्यादा गाए जाने वाले गीत हैं उनमें से एक गीत है, उसकी एक लाइन आपके सामने पढ़ूंगा। मनसूब आनंद पाने को यीशु में बने रहो। और आज का इंट्रोडक्शन इनका यही है। मैं बात कर रहा हूं रेवरेंड डॉक्टर विल्सन मनसूब की, जो जिनको आज मैं आपके साथ मुतारिफ कराना चाहता हूं। इनकी शायरी बामानी, बामकसद, इस्लाही और बाइबल की तालीमात पर मबनी है। और यह हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ पास्टर विल्सन मनसूब मौजूद हैं, जिनकी शायरी के बारे में या इनकी जो जिंदगी के बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे, किस तरह से इन्होंने ये गीत लिखे हैं जो बहुत से लोगों की जुबानों पर हैं और चर्चिस में इस्तेमाल किए जाते हैं। हम रोज बरोज बरकत पाते हैं इन गीतों के जरिए से और obviously, इन्हें भी बरकत मिलती है। So, Brother Wilson, खुश आमदेद। Thank you very much. मैं बहुत मशकूर हूँ और fortunate हूँ कि आपने वक्त निकाला थोड़ी सी गुफ्तगू करने के लिए। मेरा सवाल हमेशा से पहला एक सिंपल सा है, कब आपको पता चला कि आप गीत भी लिख सकते हैं या शायरी कर सकते हैं? ये बचपन में तो पता नहीं चलता, कभी कभी हम ऐसे ही लाइनें लिखना शुरू करते हैं, देखते हैं, फिर देन सो आपको क्या पता चला? फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रदर फ्रैंक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर विद गॉड्स पीपल व्हाट ही हैज गिवन मी ओवर द इयर्स। और आपके साथ जो इतने सालों से दोस्ती है, मोहब्बत है, उसके लिए भी खुदा का शुक्र करता हूँ कि हम एक दूसरे को इतनी देर से जानते हैं और आप ठीक समझा के आज मेरे से बातचीत कर सके। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल पर्सनली ऑन बिहाफ माय फैमिली एंड आल्सो द चर्च हियर इन गार्लैंड एरिया, यूनाइटेड क्रिश्चियन चर्च इन गार्लैंड टेक्सास, एंड एज यू नो आई एम द पास्टर ऑफ द चर्च। का जो सवाल है, इट्स ए ब्यूटीफुल क्वेश्चन कि आपको कब पता चला। एक थोड़ी सी हिस्ट्री है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, यही तो जानना चाहते हैं हम। हाँ जी, मैंने कभी बचपन में से लेके 1989 तक या 90 तक कुछ नहीं लिखा था, कभी भी कुछ भी पोएट्री के हिसाब से। जी जी, पता ही था कि मैं लिख सकता हूँ। तो हुआ ऐसे कि हम, आप जानते हैं उनको भी, पास्टर हिज के सरोज जो पाकिस्तान लाहौर से थे, उनके साथ मेरी मुलाकात 1989 में हुई उनके साथ। अच्छा, पता है वो कि बहुत अच्छे शायर थे, गाने वाले थे, कंपोजर थे। ही वॉज रियली ब्लेसिंग टू अस एज ए क्रिश्चियन कम्युनिटी बोथ इन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो उनके साथ 89 में मुलाकात हुई, तो जब उन्होंने आना शुरू किया तो वो हमारे घर में बैठ के तर्जे बनाया करते थे, सिखाया करते थे। तो उसके बाद उसी के थोड़ी देर के बाद ही एक और खुदा के दास है जो फिलाडेल्फिया में थे, आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं, पूरा अमेरिका और सारी दुनिया को जानती है, और पास्टर अर्नेस्ट माल जो कि फर्स्ट हमारे जो रेकॉग्नाइज, जिनको मैं कहता हूँ कि गॉस्पल से, और जिन्होंने दुनिया में बहुत काम किया, तो उन्होंने भी हमने भी चर्च शुरू किया था, उन्होंने भी चर्च शुरू किया, तो इस तरीके से उन्होंने भी डांस में आना शुरू किया। अच्छा। तो जो खुदा के दास हैं इन्होंने बहुत प्रभावित किया कि एक अच्छा, बहुत अच्छा गाने वाले थे, दूसरा बहुत अच्छा लिखने वाले थे। जी बिल्कुल, क्योंकि सिंस वो हमारे घर में रहते थे, जो जब आते थे दे वुड स्टे विद मी And I was really impressed. और एक दिन ऐसे ही रात की बात है, it was around 11 o'clock in the night. अच्छा। I used to work at VA hospital, जो डेलस में है, और
मेरे घर से जो VA हॉस्पिटल है उसका जो रास्ता है ऑलमोस्ट अबाउट 30 माइल्स है, इट टेक्स 45 मिनट्स टू रीच। अच्छा, आप जानते हैं डैलस को LBJ के ऊपर ड्राइव कर रहा था रात को 11 बजे। हाँ जी, हाँ जी। सिंपल सी एक दुआ की अपने दिल में और मैंने कहा खुदा मुझे भी तू गीत लिखने की जो ये जो वो दे तेरे लिए गीत लिख सकूं। ये छोटी सी दुआ थी मेरे खुदा के, सिर्फ दो लफ्जों की दुआ थी कार में बैठे हुए। जब मैंने दुआ शुरू की तो मैंने उसी के साथ गुनगुनाना शुरू किया। क्या बात है। अच्छा। जब हम नर्सिंग स्कूल में थे तो स्कूल में हमारा एक बंदा था, किस तरीके से खुदा लोग अलग अलग लोगों को यूज करता है। हाँ जी। फेमस ट्रैक था फोर स्पिरिचुअल, आपने सुना होगा फोर स्पिरिचुअल, चार रूहानी कानून जो लोगों को यीशु के साथ मसीह के साथ लाने में हमारी मदद करते थे। वो जो फोर्स पर चला उसमें फोर्स पर चला में पहला कि हम पापी हैं, फिर खुदा हमें प्यार करता है, किस खुदा के पास आ सकते हैं, किस तरीके मजात पर, ये फोर्स पर चला की समरी है। तो ये हमने नर्सिंग स्कूल में सीखा था और लोगों को साथ हम ये को शेयर किया करते थे। फोर्स पर चला मेरे मन में मेरे दिमाग में ऐसे भरे पड़े थे। अच्छा। उन्हीं को लेके गुनगुनाना शुरू किया। अच्छा। खुदावन ने जहान से ऐसा प्यार किया, किया। अच्छा। अपना बेटा दे दिया ताकि ईमान जो उस पे लाए हलाक ना हो बल्कि अब्दी जीवन पाए। जी, जी, जी। तो ये गीत जाते जाते जो है पूरा जो है वहां पे हो गया। अच्छा। अब ये बिल्कुल कंप्लीट नहीं था, जो जो वजन की बातें और जो शायरी की बातें वो वैसे नहीं, पर जो थियोलॉजी की बिबली करी वो ठीक था। जी, जी, जी। वापस नेक्स्ट डे आया तो पास हिस्की सरोस मेरे पास घर पे ठहरे हुए थे। अच्छा। तो मैंने बताया, हाँ जी, तो मैंने उनको बताया कि ये यू नो मुझे बात को ये खुदा ने गीत दिया है। अच्छा। की कंपोजिशन की और यहाँ से मेरी जर्नी जो है लिखने की जो है शुरू हुई। दूसरी बात यह है कि ये मैंने भी अंदाजा लगाया है कि आपको खुदावन से जुड़े होना बहुत जरूरी है, और अगर खुदा से पूछ के शुरू किया तो फिर तो ब्लेसिंग्स बे इंतहा है क्योंकि वो खुदावन की तरफ से आता है। तो बड़ा अच्छा लगा आपके वैसे गीत सारे जो है ना दे आर वेरी मोटिवेशनल, खूबसूरत होते हैं। तो आपने इसका मतलब काफी लेट शुरू किया लिखना जो है तो। हाँ जी, बहुत लाइक 1989 तो मैं आई थिंक आई वाज लाइक 40 सम ईयर ओल्ड। या नो इट्स नॉट लेट, आप मसीह में शायद मैच्योर हुए थे अभी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये भी जरूरी है कि हम मसीह में मैच्योर हों और फिर उसके बाद लिखना शुरू करें तो। और दूसरी बात खुदा को पता था, उन्हीं दिनों में मैंने अपनी जो सेमिनरी थी वो भी शुरू की थी तो बिब्लिकल एजुकेशन में। सो इट्स हैपेंड ऑलमोस्ट द सेम टाइम आई स्टार्टेड माय सेमिनरी एंड स्टार्टेड राइटिंग एट द सेम टाइम। अच्छा, जब आपने सेमिनरी शुरू की उससे पहले आप क्या करते थे? नर्सिंग, मैं फुल टाइम नर्सिंग, मैंने BSc नर्सिंग की है और नर्सिंग प्रोफेशन था और अभी भी काफी सालों से पहले था तो मैं नर्सिंग में था और हॉस्पिटल में काम करता था, VA हॉस्पिटल है वहां पे काम किया करता था। अच्छा, अमन आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऐसी बात से बात है कि नर्सिंग में थे। हाँ जी। खासे ऑब्वियसली पैसे भी कमाते होंगे, इट्स अ वेरी नोबल प्रोफेशन। हाँ जी। आपने क्यों सोचा सेमिनरी का? व्हाट हैपेंड? सो जब नर्सिंग में थे तो जब मैंने हिस्ट्री बैक वी वर ऑफ मैंने जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कबूल किया, ग्रहण किया अपना जीवन बदला तो मेरी उम्र 19 साल की थी तब, तो मैं स्कूल में था। जी जी। एट दैट टाइम जो नर्सिंग स्कूल में हमारे सुपरिटेंडेंट थे तो उन्होंने हमें सिखाना शुरू किया कि किस तरीके से खुदा यीशु मसीह को दूसरों के साथ शेयर करना है। वहीं से फिर जो लाकी ट्रेनिंग जो वहीं से मिली थी। अच्छा। तो एक फायर थी दिल में कि प्रभु के लिए काम करना है। कंटिन्यू वहां नर्सिंग में जब हम नर्सिंग भी करते थे साथ में एज ए पार्ट टाइम एवेंजेलिस्ट टाइप लोगों के साथ खुदा को वचन को शेयर करना। जब 1982 में मैं अमेरिका में आया तो लाइफ एकदम बिल्कुल अलग सी हो गई। तब से पैसे की दौर जो थी ना कि पैसा पैसा पैसा, that became the main goal. Okay. 1986 में क्या हुआ कि खुदा ने, मेरा एक दोस्त आप जानते हैं उनको भाई प्यारा, और हम दोनों बैठे हुए थे तो खुदा ने ऐसा जो झोड़ा ऐसा उसने खींचा कि ये तुम क्या कर रहे हो,
तुम्हारी लाइफ क्या थी और अब तुम क्या बन चुका है। बिल्कुल, 6 में जब हम अपने घर में बैठे बैकयार्ड में थे बैठे हुए, तो खुदा ने हमें दोनों को जुड़ा कि हमें कुछ करना चाहिए। तो तब हमने ये चर्च का आइडिया जो है तब आया कि हमें कुछ इंडियन पाकिस्तानी चर्च शुरू करना है जिसके वसीला से हम जो है लोगों तक पहुंच सकते हैं। सिक्किम जब शुरू किया चर्च, तो इन लोगों के साथ हमारी मुलाकात हुई, पादरी हिस्के के साथ, अर्नेस्ट मल के साथ, क्योंकि उन्होंने भी फिलाडेल्फिया में उसी वक्त चर्च को शुरू किया था। मॉर्निंग स्टार। क्या हुआ कि हम उन दिनों में पास्टर बहुत कम हुआ करते थे और हमें ढूंढने पड़ते थे कि किसको बुलाएं प्रीच करने के लिए। एक दोस्त था मेरा जो सेमिनरी में था, उसने कहा तू विल्सन तू इतना पढ़ता है, why don't you go to seminary and get a proper education? So that's how I went to seminary in 1990, my Dallas Theological Seminary, यहाँ पे बड़ी मशहूर हमारे, तो DTS में, Dallas Theological Seminary, मैंने अपनी एडमिशन ली 90 में, a master's program. अच्छा अच्छा, and that is one of the best universities, especially for the theology study के लिए, DTS, it's a well-known name. तो यहाँ पर भी हैं pastors जो उस seminary से होकर आए, मेरी एक दो से मुलाकात भी हुई। मैंने सेमिनरी में 20 साल गुजारे हैं, मास्टर से लेकर डॉक्टरेट तक मेरी जर्नी है। जब मैं टेक्सास में था, आप उस वक्त तक मास्टर की हुई थी? हाँ जी, उसके बाद उसके बाद आपने पीएचडी की, क्या कहते हैं उसको, डॉक्टर इन मिनिस्ट्री, डीमैन, डॉक्टरेट इन मिनिस्ट्री। अच्छा, इट्स स्टिल कॉल्ड पीएचडी दो। हाँ जी, ठीक है ठीक है, आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर, क्योंकि वो मुख्तलिफ डिग्रियां होती है ना डॉक्टरेट की भी, सो दिस वांटेड फॉर माय ओन नॉलेज आई वांटेड टू नो। तो आपका ये तो आपका लिटरेरी बैकग्राउंड हो गया, आपकी जो जो शायरी में थियोलॉजी नजर आती है, दैट कम्स फ्रॉम योर दिस बैकग्राउंड, बीइंग अ पास्टर, बीइंग वेल ट्रेन्ड इन थियोलॉजी, फिर डॉक्टरेट की हुई है आपने, सो दैट्स वेरी गुड, वो नजर आता है आपकी तालीमात में, नजर आता है आपकी शायरी में, नजर आता है।